जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस पेपर हिंदी एमए 2018 17 16 19, इसमें 2019 का भी ऐड कर दिया गया है। जिसको देखना है वो देखे और ना देखने वाला सब्सक्राइब कर दे। पहला क्वेश्चन है इसमें, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। अथवा में इसका क्वेश्चन दिया गया है, भक्ति काल की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। अथवा में है, रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताएँ लिखिए। तीसरे क्वेश्चन में है, छायावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। अथवा में है, प्रगतिवाद काव्यधारा की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, आरंभिक कहानियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा में है, किसी समकालीन उपन्यास 1990 के बाद प्रकाशित की समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी नाटक के विकास का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। अथवा में है, हिंदी की किस दलित आत्मकथा की विवेचना कीजिए, किसी दलित आत्मकथा की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन है, मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। अथवा में है, भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये 2016 का है। उसके बाद 2017 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, रासो काव्य का परिचय दीजिए। अथवा में है, भक्ति काव्य की सामाजिक भूमिका पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अथवा में है, रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, भारतेंदु युगीन कविता में निहित नवजागरण के स्वर का विवेचन। अथवा राजनीति चेतना की दृष्टि से प्रगतिवाद कविता पर चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन, समकालीन हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताएं को उद्घाटित कीजिए। अथवा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, दलित अथवा भावात्मक निबंध का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है इसके, अथवा में है, अपने पसंदीदा हिंदी कवि पर टिप्पणी कीजिए। छठा क्वेश्चन है, वक्रोक्ति अथवा रीति संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा शुक्लयुगीन आलोचना के प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। 2018 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, रासो काव्य की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। अथवा में है, भक्ति आंदोलन के क्रमिक विकास का परिचय दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। अथवा बिहारी के काव्य की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, समाज सुधार की दृष्टि से भारतेंदु की कविताओं का महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएँ लिखिए। चौथा क्वेश्चन, नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। अथवा समकालीन हिंदी उपन्यास की विषय वस्तु को रेखांकित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, स्वच्छंदतावाद का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अथवा अपने मनपसंद हिंदी कवि पर टिप्पणी लिखिए। छठा, यमक और श्लेष अलंकार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा रेखाचित और संस्वरण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उसके बाद 2019 का जो पेपर है वो हमें मिला नहीं था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो है, पहला क्वेश्चन रासों का भी है, इसके अथवा में भक्ति आंदोलन था। दूसरा क्वेश्चन सरगुण भक्ति, इसके क्वेश्चन में बिहार की काव्यगत विशेषता थी। तीसरा क्वेश्चन भारतेंदु युग से पूछा गया था, इसके अथवा में प्रगतिवादी काव्य से आधारित पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन नई कहानी
अथवा में समकालीन उपन्यास। पांचवा क्वेश्चन स्वच्छंदतावाद अथवा में कोई भी अपने मनपसंद कवि। छठा क्वेश्चन यमक श्लेष अलंकार का परिचय अथवा में रेखाचित्र संस्मरण का परिचय।